हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा आज का लुक और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं वेस्ट एडमिंटन मॉल, जो कि नॉर्दर्न अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। और आज यहाँ फेस्टिव सीज़न की वजह से काफ़ी रश था, काफ़ी लोग शॉपिंग करने आए हुए थे। और जैसे ही हमने वहाँ एंटर किया, हमने देखा वहाँ चल रहा था आइस हॉकी का मैच। ये मैचेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और ये कनाडा का नेशनल स्पोर्ट भी है। तो मैच देखा, मैच इंजॉय किया, साहिब ने भी मैच बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा और उसने भी ये मैच इंजॉय किया। मैच देखने के बाद हम लोगों को लगी थी काफ़ी भूख, तो हम लोग गए फूड कोर्ट की तरफ। आज हमने देखा मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी रौनक थी, सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, हर स्टोर पे डील्स थी, काफ़ी सारे ऑफर्स लगे हुए थे और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ शॉपिंग करने आई हुई थी। डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल किया हुआ था, इतना सुंदर डेकोरेशन मैंने कभी पहले किसी मॉल में नहीं देखा। तो हम लोग डेकोरेशन देखते हुए गए फूड कोर्ट की तरफ और सबसे पहले हमने जाके मैकडोनल्ड से लिए साहिब के लिए फ़्राइज़, क्योंकि साहिब को फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हमने उसको फ़्राइज़ दिलाए। फ़्राइज़ दिलाने के बाद हम लोगों ने फूड कोर्ट में एंटर किया और वहाँ पे काफ़ी सारे फूड काउंटर्स है, जैसे मैक्सिकन फूड, जापनीज़ फूड, इंडियन फूड, KFC, सबवे। बट हम लोग को इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने वहाँ एक इंडियन फूड काउंटर से अपना वेज थाली ऑर्डर किया। और अपना लंच करने के बाद हम लोग गए क्रिसमस डेकोरेशन देखने, हाँ जी, जिसके लिए स्पेशली हम लोग आज मॉल आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ का क्रिसमस डेकोरेशन देखा, इतना सुंदर डेकोरेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेशन था। और साहिब को भी ये सब बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने किए अपने कुछ फ़ोटो क्लिक। और एक ये ब्यूटीफुल सी ट्रेन थी जो कि क्रिसमस थीम पे बनी हुई थी, सारे बच्चे इसमें बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और साहिब इस ट्रेन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर हम लोग गए फुट लॉकर से कुणाल को करनी थी कुछ शॉपिंग। कुणाल ने ली एक विंटर जैकेट जो कि जॉर्डन की थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उसके स्लीव्स लेदर के थे और लाइक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी। और साथ में एक पेयर ऑफ शूज़ भी हम लोगों ने इसके साथ मैचिंग किया, जो कि येलो कलर के थे और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे। तो ये शूज़ भी हम लोगों ने बाय किए हैं। बस हम लोग की यहाँ से शॉपिंग डन हो चुकी थी, उसके बाद हम लोगों ने किया अपना बिलिंग। बिलिंग करवाने के बाद हम लोग को लेने थे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ क्रिसमस गिफ्ट, तो उसके लिए मैं आ गई सीधे मार्शल। ये एक बहुत अच्छा स्टोर है, यहाँ पे काफ़ी सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और मैं गई एसेसरीज़ की तरफ। काफ़ी कुछ घूमने के बाद मैं गई हैंडबैग वाले सेक्शन में। वहाँ पे काफ़ी सारे हैंडबैग्स थे, लाइक गैस के, माइकल कोर और भी ब्रांडेड बैग्स थे। बट मुझे ये पार्टी वेयर बैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, स्मॉल क्लच भी थे, स्लिंग बैग भी थे। तो यहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक ब्राउन कलर का हैंडबैग लिया है। और इसके बाद मैं गई होम डेकोर वाला जो सेक्शन होता है वहाँ। फेस्टिव वाइब्स ही अलग होती है, हर कोई यहाँ शॉपिंग कर रहा था, कोई अपनी फैमिली के लिए, कोई फ्रेंड्स के लिए, और बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस थे यहाँ पे। तो फाइनली मुझे एक किड्स काउंटर दिखा, वहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ थे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। तो मैंने साहिब के लिए भी वहाँ कुछ टॉयज़ देखे। फाइनली साहिब के लिए कुछ टॉयज़ लेने के बाद मैं पहुँची होम डेकोर वाले सेक्शन में। यहाँ पे काफ़ी सारी डेकोरेटिव चीज़ें थी, जिसमें से मुझे एक ये शोपीस बहुत अच्छा लगा था और एक ये वाइट कलर का माउस था जो बहुत क्यूट था। हम लोग की शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब टाइम था बिलिंग करवाने का। और ये क्रिसमस ट्री मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं इसे ज़रूर लूँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए हमारे पेज को, और सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।